कुलहिन मजलिस तामीर मिल्लत व इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स IMCR की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ मंगल 24 सितंबर को शाम 7 बजे चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे में मुल्क के दानिश्वरों के अलावा अराकीन मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी, सियासी कायदीन व गैर मुस्लिम दर्दमंदान भी शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में सदर नशीन IMCR व साबिक रुकन पार्लियमान मोहम्मद अदीब ने गुलशन खलील मां साहिबा टैंक हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए हालात की संगीनी से रोशनास करवाया। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियमान व इमाम मस्जिद पार्लियामेंट हाउस मौलाना मुहिबुल्ला नदवी ने भी इस मौके पर खिताब किया। सदर कुलहिंद मजलिस तामीर मिल्लत जनाब जियाउद्दीन नैयर, मोतमद उमूमी उमर अहमद शफीक, रुकन तामीर मिल्लत डॉक्टर मीर यूसुफ अली व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। बिक जाए तो जमीन पे बोझ है, नेशनल मीडिया जमीन पे बोझ हो गया है। नेशनल मीडिया का कोई शख्सात को नहीं पूछेगा और वो सिर्फ इस बात पे खुश रहेगा, चंद लोगों को उन्होंने बुला के ये कहला दिया कि ये अच्छा बिल है। पूछा क्यों, एक पॉइंट बता दो। कहा हुकूमत चाहती है तो ऐसे जालिमों के साथ आपका मुकाबला है। हम आपके बीच से भी इसलिए आए हैं, हम चाहते हैं कि यह आवाज़ हैदराबाद से उठे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ, लखनऊ को बर्बादी के आखिरी मंजिल पर देख रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है हैदराबाद के लोगों से। मुझे मालूम है, मैं लखनऊ तक कहता हूँ कि जब मैं हैदराबाद आता हूँ तो जीने की आरज़ू पैदा हो जाती है, लगता है कि अभी कुछ मुसलमान जिंदा हैं। तवक्को है आप लोगों से, इसके जो तफसीलात हैं वो हम 24 तारीख को वो सारे लोग जो JPC के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो भी आ रहे हैं। रहमान साहब जिनके ज़माने में 2013 का बिल पास हुआ था बीमारी के बावजूद, वो भी आ रहे हैं। सिर्फ आप लोगों से ये कहने के लिए कि खुदा के वास्ते ये आखिरी लड़ाई है। अभी तक तो अगर हमको मार दिया, हमको लिंच कर दिया तो दूसरा इसलिए खुश रहा या चुप रहा कि मेरे घर पे दस्तक नहीं हुई। अब कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा इमाम, कोई ऐसा खतीब, कोई मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इससे बड़ा तूफान कभी नहीं आया। ये बदनसीबी है कि हाकिम वो बनेगा जो मुसलमानों को जुल्म करेगा। किसी पे इलेक्शन लड़े गए, किसी पे हुकूमतें बनी, लेकिन अब जो हमला हुआ है वो हमला वो जैसे महाराणा ने कहा कि ये आखिरी लड़ाई है। अभी तक हमारे साथ मजालिम होते रहे और हम खामोश रहे, और हमने कुछ गलतियां करी थी। जैसा कहा गया कि 2013 में 1999-95 का जो बिल था उसमें कुछ कमियां थी, यानी जैसे बेचले का किस्सा था, अंबानी साहब का जो महल बना हुआ है वो वक्त की जमीन पे है और उसके 11 मेंबरों ने उसको बेचा और 2 करोड़ रुपए वक्त बोर्ड को दिए गए, बाकी जो उनके मेंबर थे उनकी जेब में रखे गए। उसके बाद ये फैसला हुआ, उस वक्त मैं पार्लियामेंट में था, अंकुरे साहब मिनिस्टर थे और उन्होंने ये फैसला किया कि हमको वक्त के कवानीन को मजबूत करना है। सच्चन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें 10वां चैप्टर है, उसमें कहा यह गया है कि वक्त की ज़मीनों को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों के स्कूलों का, मुसलमानों के अस्पतालों का, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पैसे की नहीं। BJP ने ये बिल लाने से पहले सच्चर कमेटी को ये कहते हुए कोट कर दिया कि सच्चर कमेटी ने कहा है कि साहब वक्त की जमीन पर कब्जा हुआ है, हम खत्म हुआ है। लेकिन 2013 में जो अमेंडमेंट आया उस सच्चर कमेटी, वो जो सेलेक्ट कमेटी थी
उसके हम मेंबर थे। हम लोगों ने वो कोशिशें की कि जो वक्त की ज़मीनें ज़ाया हो रही हैं या कब्जा हो रही हैं, अंबानी की ज़मीन खरीदने के बाद ये फैसला हुआ कि आप वक्त की ज़मीन बेच नहीं सकते। वो कानूनी तौर पे और शरई एतबार से भी सही यह है कि जो आपको ज़मीन पंप कर देते हैं तो अल्लाह के हवाले करते हैं, आप उसके मालिक नहीं बन सकते, उसके मैनेजर, उसके मुतवल्ली, उसके ट्रस्टी बन सकते हैं। एक तो ये शर्त लगाई गई, दूसरा ये कहा गया कि जैसा आपने बताया दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन के सामने मस्जिद है, उसकी 8 दुकानें 26 रुपये पर उठती थी, बगल की दुकानें 2500 रुपये। तो ये कानून बनाया गया 2013 में कि अगर कोई आदमी हमारा किराएदार वक्त का किराएदार होगा तो मार्केट वैल्यू पर ही उसे दिया जाएगा। ये वो चीज़ें थी जिससे ये अंदाज़ा हम लोगों ने लगाया था कि अगर हमने वक्त की ज़मीन को बचा लिया और वक्त की ज़मीन की आमदनी बढ़ा ली तो हमारी कौम भीख मांगने वाली नहीं, भीख देने वाली हो जाएगी। 10 साल तक उस बिल पर कोई अमल नहीं किया है, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि शायद मुसलमान अब पैसा देने वाला बन जाएगा, भीख मांगने वाला नहीं रहेगा और वक्त की ज़मीन को मजबूत कर रहा है। इस बुनियाद पर वो ऐसा बिल लेके आए जिन्होंने 2013 के अमेंडमेंट को ख़त्म करने के लिए और ये ऐलान किया, हमेशा जब कोई बिल लाया जाता है तो उसकी तरमीम के लिए की जाती है तो वजूहत बयान की जाती है, कोई वजूहत नहीं बयान की गई, एकदम से ऐलान हुआ और ये कहा कि ये सड़क अपोजिशन ने और कुछ लोगों ने हंगामा किया तो उनका सड़क कमेटी भी जाएगा। अब आप सड़क कमेटी भी ये देखिए, सेलेक्ट कमेटी जो है, ये बिल जो है औकाफ का, ये मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों को उससे बात करनी है, लेकिन सेलेक्ट कमेटी किसको बुला रही है? उन गाजिरों को। रेलवे ने जिसने जमीन पर कब्जा किया कि तुम और बताओ, आप 23 के लोग जिन्होंने हमारी सारी जमीन पर कब्जा किया है, तुम आओ, तुम बताओ। उन लोगों को जो किराएदार हैं और जिनके किराए बढ़ने हैं उनको बुलाया था वक्त की ज़मीन को, ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मैं 50 साल से बनिहारों से पूछता इस तरह के नाजायज काम, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हर वक्त का सर्वे होगा, सैकड़ों साल के हमारी जायदादें वक्त में लिखी हुई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखी हुई है, लेकिन डीड किसके पास है? तो अब हर मस्जिद, हर खानका, हर मदरसा, तो सब में ये कह सकते हैं और सह कौन करेगा, डीएम करेगा, जो सबसे बड़ा काबिल है और जिसने हमारी जमीन को कब्जा किया। इसी मसले पर हम लोग एक तंजीम चलाते हैं, इंडियन मुस्लिम सब्सिडी राइट्स INCR। हमने दिल्ली में मीटिंग बुलाई और जिसमें हमारे साथी तामीर मिल्लत के सदर और सेक्रेटरी गए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोग जुड़े। ये फैसला हुआ कि ये दाती लड़ाई नहीं है, ये मिल्लत की आखिरी लड़ाई। मदीना स्कूल्स, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी, 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड, खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा, वक्त की रफ्तार और तकाजों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 9100 4
41445 या 63041-48143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड, मदीना स्कूल्स, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।